गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं आज पालक की बिरयानी। बहुत गजब की बनी थी। मुझे ना नगेट्स की ज़रूरत है, ना किसी वेजिटेबल्स की ज़रूरत है, सिर्फ मुझे पालक की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने इंडिया गेट चावल को मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया हुआ था। ये देखिए अच्छे से भीग चुका है। और आप जो पसंद हो आपको चावल वो अपना ले लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जीरा, हरी इलायची, तेज पत्ते और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च। यहाँ पर हमारे पास है पालक के प्यूरे हैं, ये देखिए। तो इसको मैंने पहले जीरा और थोड़े से मसाले, टमाटर की प्यूरे मिला के मैंने अच्छे से इसको पका लिया हुआ था। पहले से हमने इसको पकाया हुआ था, इसके बाद तब मैंने इसको यूज़ किया है। यहाँ पर हमारे पास है बटर, ये देखिए। तो इसको हमने जैसे हमारा बटर मेल्ट होता है वैसे हम डाल देंगे इसमें गरम मसाले खड़े वाले। यहाँ पर हमारे पास 1 कप दूध है, बड़ा कप दूध का है। यहाँ पर हम पानी की जगह दूध का यूज़ करने वाले। बटर जैसे मेल्ट होता है उसमें डाल देंगे अपने सूखे मसाले, ये देखिए। इसमें अच्छे से जैसे क्रैकल होता है, तो हमने यहाँ पर इतने ही बटर का यूज़ किया है क्योंकि हमने जो पालक पकाई हुई है, क्योंकि हमने पालक पहले से इसलिए पकाई जिसमें उसका एक जो कच्चापन सा रहता है वो निकल जाएगा और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। सारे मसाले हमने डाल दिए थे उसी में। सारे मसाले डालने के बाद हमने पका लिया। पर हमारे खड़े मसाले क्रैकल हो गए हैं, थोड़ा सा इनको और क्रैकल कर देंगे। इसके बाद फिर से एक बार हम उसी पालक को, जो हमारे मसालों में बिल्कुल ग्रेवी पालक है, उसे हमने सारे मसाले, हल्का सा नमक, टोमेटो प्यूरी, गरम मसाले, जितने बेसिक मसाले होते हैं, मैं उनको डाल के पका लिया था। और इसको खड़े मसालों के साथ फिर से मैं दोबारा पका रही हूँ जिसमें एक अच्छा सा, इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जितना ये पकेगी बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आने वाला है। मैंने इसको कच्ची पालक नहीं यूज़ किया है, इसको 2 बार अच्छे से पक गई है उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए ये दूसरी बार पकेगी, इसको मैं अच्छे, ये देखिए तब भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर था, ये देखिए। तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर इसका ऑयल भी, हमारा बटर भी सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे चावल। चावल हमारा भीगा हुआ है तो आप इसको हल्के हाथों से चलाइए, हाँ बहुत हल्के हाथों से चलाइए, क्योंकि भीगे हुए चावल आप जितना अगर जल्दी से चलाएंगे तो चावल टूटने का भी डर रहता है। यहाँ पर हल्के हाथों से चलाइए आप चावल, ये देखिए मैं मिला लूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए अच्छे से मिल गया। यहाँ पर हमने सिर्फ आधा पिंच इसमें कलर डाला है, फूड कलर है ग्रीन। इसमें चावलों का जो कलर है बहुत खिल के आएगा। आप देखिए बिल्कुल हमने सिर्फ आधा पिंच से भी कम डाला है, क्योंकि पालक का ऑलरेडी अपना कलर होता है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। आप जैसा आप खाते हैं कम या ज़्यादा वैसा ऐड कर दीजिए। और हमने यहाँ पर तीखे के लिए सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया हुआ था, वो भी बहुत कम। अब अगर आपको एक्स्ट्रा और चाहिए तीखा तो आप इसमें, जैसे आप खड़े मसालों को भून रहे थे वहीं पर आप डाल दीजिए। हरी मिर्च हमने नहीं डाली है, अगर आपको नीड है तीखा तो आप डाल दीजिए। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है दूध, ये देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स जब ये दूध में पकता है तो एक क्रीमी टेस्ट आता है। बहुत 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 अच्छी बनी हुई थी हमारी पालक बिरयानी। तो इस टाइप से आपने कभी नहीं बनाई होगी। थोड़ी सी मुझे और ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा इसमें डाल देना चाहिए, नहीं तो हमारे चावल जो हैं कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए तब इतना हमारे, जितना जो मैंने दूध डाला हुआ पूरा मग मैंने डाल दिया था, इसमें हमारे पूरे चावल अच्छे से पकेंगे। तो यहाँ पर हम पहले से नहीं ढकेंगे, जब हमारा चावल सूखा हो जाएगा उसके बाद हम ढकेंगे। तो यहाँ पर हमने खुले करके हाई फ्लेम पर इनको पका लिया। तो ये देखिए, तो इसका जितना मॉइस्चर है सब सूख गया था। अब इसको थोड़ी देर 1-1.5 मिनट में इसको और खुला करके पकाऊँगी, इसके बाद मैं ढक्कन को लगाऊँगी। ये देखिए सच में फ्रेंड्स बहुत 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 अच्छी बनी थी। बहुत तीखी नहीं थी और बहुत बिल्कुल प्लेन भी नहीं थी, बिल्कुल जितना जो था बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत थी उतना था। और यहाँ पर हमने क्या किया है, गैस के ऊपर हमने तवा रख दिया था, उसके ऊपर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया था, फ्लेम को मैंने लो कर दिया था धीरे धीरे 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। फ्रेंड्स एक एक चावल खुल के पका था, बहुत अच्छा बना। तो इसको ये मेरी रेडियो भी कर लेते इसको सर्व। चलिए देखिए एक एक चावल खिला खिला आप खुद देख रहे होंगे कि एक एक चावल आप एकदम खिल के रह गया है। ये देखिए तो यहाँ पर हमने हल्का सा, ये देखिए आधा चम्मच गरम मसाला है, लेकिन हमने सिर्फ इसमें 2 पिंच डाला था, पूरा नहीं डाला था, क्योंकि हमने पहले मसाले तो हमने पहले ही ऐड कर लिए थे। एक अलग सा फ्लेवर इसमें आता है जब गरम मसाले का बिरयानी, तो हल्का से गरम मसाले का फ्लेवर रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने बनाया हुआ है मिंट का रायता, पुदीने का रायता बना लिया है, ये देखिए। तो आप किसी भी, चाहे बूंदी का रायता बना लीजिए, नॉर्मल दही का रायता बना लीजिए। यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा बना है सच में फ्रेंड्स,
बहुत बहुत सच में बहुत बना अच्छा बना था। तो फ्रेंड्स को ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।